नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 18 सितंबर को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत की तरफ से संबोधन किया। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने ब्रिटिश संसद में अपने संबोधन की शुरुआत गाय गंगा व गीता से की, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। ब्रिटिश संसद में न्यायमूर्ति ने क्या कुछ कहा, पहले आपको दिखाते हैं। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, यहाँ की संस्कृति है, ये हमारे भारत देश की संस्कृति है, जिसे है विकसित भारत 2047। तो मैं आपको यकीन दिलाऊं, 2047 तो बहुत दूर की बात है, सैकड़ों वर्ष पहले हम बहुत विकसित थे। यही कारण है कि हम इस देश को, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां पर दूध दही की नदियां बहती हैं, उसका मतलब यह था कि हम बहुत समृद्धशाली थे, हम संपन्न थे। हमारा राज्य केवल जहां तक हम सिमटे हुए यहां तक नहीं था, विश्व के बहुत जगह तक हमारा राज्य फैला हुआ था, लेकिन वो राज हमने विस्तारवादी नीति से नहीं पाया था, अपने हृदय से पाया था, प्रेम से पाया था। यही कारण है कि हमारे यहां राम हुए, कृष्ण हुए, जिन्होंने हमें सिखाया कि जीवन कैसे जीना चाहिए, परिवार कैसे चलना चाहिए, समाज और राष्ट्र कैसे चलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी हमको गीता में संदेश दिया कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। कालांतर में आकर के गुरु नानक हुए, विवेकानंद हुए, ऐसे तमाम महावीर और जैन हुए जिन्होंने एक हमको दिशा दी। हम पल्लवी थे और पुष्पित थे, लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया जब हमारे इस भोलेपन से गैरों ने लाभ उठाया और हमें कमजोर किया, और ये कमजोरी हमने वर्षों तक झेला है। ब्रिटेन से लौटने के बाद न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव से हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने लखनऊ में मुलाकात कर भारत से ब्रिटेन तक के सफर के बारे में बात की। देखिए ये रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव जी, और उन्होंने जाकर के ब्रिटेन में भारत का एक परचम लहराया है और वहाँ पर अपने संबोधन में उन्होंने वहाँ पे सभी का दिल जीत लिया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आप जिस तरीके से ब्रिटेन में, लंदन में पहुँचे और वहाँ पर भारत की गौरव गाथाओं को बयां किया, कैसा माहौल रहा, किस तरीके का आपका वहाँ मंजर लगा, कैसा? बड़ा पॉजिटिव माहौल रहा और लोगों ने अप्रिसिएट किया। यहाँ तक कि मैंने जब बोला कि सिद्धेश ने हमारे ऊपर राज किया है, अत्याचार किया है, तो मेरी कल्पना ये थी कि शायद वो बहुत नेगेटिव इसको लेंगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का माना कि हाँ, हमारे पीछे के लोगों ने किया है, लेकिन जिस प्रकार से भारत आज आगे बढ़ रहा है, हम उसके साथ हैं, और उन्होंने अप्रिसिएट किया मेरे इस लेक्चर को। सर, सबसे पहले जब आपका उद्बोधन था, शुरुआत हुआ, तो गाय गंगा और गीता को लेकर के आपने शुरुआत की, उसके बाद वो एक माहौल अलग सा। मेरा जो उद्बोधन इसके एक लाइन और आगे था। शुरुआत तो जब मेरा परिचय कराया गया तो मैंने कहा कि मेरा परिचय तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इसमें यह ना जोड़ा जाए कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, और गाय गंगा और गीता यहाँ की संस्कृति है, और हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, यहाँ की तहजीब है। तो लोगों ने इसको बहुत अप्रिसिएट किया और ये भी कहा कि जितनी इज्जत सम्मान हमारे यहाँ नारी को मिलती है, वैसे अन्यत्र नहीं मिलती है, और शायद इसीलिए वेद में भी कहा गया है कि जहाँ पर नारी का सम्मान होता है और ईश्वर का निवास भी वहीं पर होता है। तो इसको भी लोगों ने बहुत सराहा। न्यायमूर्ति ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में विकसित भारत 2047 को लेकर के क्या कुछ कहा, उसके बारे में भी जानते हैं। सर, शुरुआत मेरी यहाँ से थी कि बहुत पहले हम विकसित रहे, हमारा भारत विकसित रहा, और शायद इसीलिए इसको सोने की चिड़िया
और दूध दही की नदियां बहती हैं। कहा गया हम बहुत संपन्नशाली थे, समृद्धशाली थे और बहुत दूर तक हम फैले हुए थे। आज जहाँ तक हम सिमटे हुए हैं इससे दूर फैले हुए थे। लेकिन ये विस्तार हमारा विस्तारवाद नीति के कारण से नहीं था, प्रेम और अहिंसा के कारण से था। लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया कि लोगों की नज़रें लगीं, उन्होंने आकर इस देश को लूटा और धन ही नहीं लूटा जो हमारे ज्ञान के केंद्र थे, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, उसको भी नष्ट किया और फिर हमें कमज़ोर किया और फिर हम पिछड़ते ही चले गए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमें अपने महापुरुषों को याद आया और हम लोग एकत्रित हुए, एक साथ खड़े हुए और मजबूर कर दिए इस देश को से इन अंग्रेज़ों को बाहर करने के लिए। और अंग्रेज़ को जब बाहर किए तो 15 अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र हुए और फिर हम धीरे 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 गति से हमारी बढ़ती गई। हमारी बढ़नी चाहिए थी, वो गति उस गति से नहीं बढ़ी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस देश के मुखिया को जो एक विज़न लेकर आया कि हम कैसे इस देश को आगे ले जाएंगे। और आगे ही नहीं ले जाएंगे, हम 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनेंगे, ऐसा उनका दावा है। और ये दावा केवल मैं समझता हूँ को केवल खोखला दावा नहीं है। आज इस कालखंड में हम चंद्रमा भी पहुँचे हैं, दक्षिणी ध्रुव में भी पहुँचे हैं। विश्व की महामारी जो आपकी कोविड थी उस पर हमने अपनी वैक्सीन बनाई है। अपने देशों का तो भला किया ही किया है, अन्य का भी जीवन हमने, अन्य लोगों की भी जीवन हमने बचाए हैं। और हम आज चाहे वो ट्रेन हो, प्लेन हो, आईटी हो, नॉन आईटी हो, हर सेक्टर में हम जिस गति से पहुंच रहे हैं और आज हम अर्थव्यवस्था में विश्व में 5वें नंबर पे हैं। और इस देश का दावा है अपने कामों के कारण से कि आने वाले 2-4 सालों में हम 3रे नंबर पे पहुंचेंगे। और वो दिन दूर नहीं कि जब 2047 हमारा स्वर्णिम काल होगा स्वतंत्रता का, हम नंबर एक के रूप में पहुंचेंगे और विकसित भारत बनेंगे। हमें लगता है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो विज़न है, जो उनकी कर्मठता है, वो निश्चित रूप से साकार होगी, ऐसा मेरा सोचना है। थैंक यू। ब्रिटिश संसद की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को आमंत्रित किया गया था, जहां न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने अपने भाषण के दौरान भारत की न्यायिक प्रतिष्ठा, संस्कृति, भारतीय न्याय व्यवस्था, उसकी गहराई और भारतीय संस्कृति मूल्यों को वैश्विक मंच पर पेश किया। भारत की संस्कृति को लेकर जिस प्रकार से न्यायमूर्ति ने संसद में ऐसी तमाम बातें कही जिससे उनकी सराहना तो हो ही रही है, साथ ही वहां के लोग भी उन तमाम बातों को लेकर तालियां बजाते नजर आए। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।